प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि युवक की जान उसी ने ली जिससे वह प्यार करता था। आपको बता दें कि मृतक की प्रेमिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर उसके शव को सूखी नहर में दबा दिया था। शव पर जब लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव की शिनाख्त के लिए मर्चरी हाउस करनाल में रखवा दिया गया। पुलिस द्वारा इस मर्डर केस के लिए किए गए प्रयासों के दौरान तीन व्यक्तियों के नाम सामने आए जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसे करनाल पुलिस की कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि चंद ही दिनों में करनाल पुलिस द्वारा ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बीती 17 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि WUJC नहर में एक अज्ञात शव पड़ा है। पुलिस पूछताछ के दौरान मीनू जो कि मृतक की धर्म बहन है उसने शव की शिनाख्त नंद किशोर उर्फ नंदू निवासी शिव कॉलोनी करनाल के रूप में की जो कि हकीकत नगर करनाल में किराए के एक मकान पर रहता था। मृतक की बहन के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि थाना सदर प्रबंधक निरीक्षक बलजीत सिंह की जांच के दौरान कविता उर्फ ममता गुड्डी व राजवीर निवासी बालाजी कॉलोनी हकीकत नगर करनाल के नाम सामने आए हैं जिनको पुलिस टीम द्वारा हकीकत नगर करनाल से काबू कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि मृतक नंद किशोर का गुड्डी के साथ प्रेम प्रसंग था। मृतक नंद किशोर गुड्डी पर उसके पति व बच्चों को छोड़कर अपने साथ रहने का दबाव बनाता था। ऐसा न करने पर गुड्डी को बदनाम करने की बार बार धमकी देता था। बदनामी के डर से मृतक नंद किशोर को गुड्डी ने अपने घर पर बुलाकर पहले उसको शराब पिलाई फिर मौका पाकर आरोपियों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद डेड बॉडी को कट्टे में बंद करके WJC नहर करनाल में सूखी हुई है जो कि उसमें दबा दिया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर करनाल निवासी हल्के में ना ले। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार द्वारा जिन्हें व्यापारियों अथवा उद्योगों की ढील दी गई है वह भी लॉकडाउन की उल्लंघना ना करे। उद्योगों में जितनी लेबर काम कर रही है उसी के हिसाब से कानून भी बनाए गए हैं। उन्होंने अपील की है कि यदि करनाल की जनता चाहती है कि आगामी 3 मई को लॉकडाउन खुल जाए तो वह प्रशासन का सहयोग करे। कोरोना वायरस की चेन को तभी तोड़ा जा सकता है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने। ताकि दूसरा मैटर ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 8/4 को एक डेड बॉडी जो काफ़ी डीकम्पोज्ड स्टेट में जो हमारी वेस्टर्न जमुना कैनाल है उसमें मिली थी, मिट्टी में दबी हुई, और प्राइमा फेसाई देखने से ही लग रहा था कि काफ़ी पुरानी जो है ये बॉडी है। 17/4 को मिली थी और देखने में लग रहा था कि बॉडी काफ़ी डीकम्पोज स्टेट में है क्योंकि हमारे को डाउट हुआ, बॉडी को ऐसे लग रहा था जैसे खुर्द-फुर्द किया गया है, तो इसमें 302 का केस दर्ज किया गया और तफ्तीश करके ब्लाइंड केस था। सदर थाना पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके इस केस को ट्रेस किया है और इसमें 2 लेडीज़ और एक पुरुष इसको आज गिरफ्तार किया है, उनको आज कोर्ट में पेश किया। प्रेम विवाह के चलते कुछ ऐसी देखिए, जो डिसीज्ड है इसका नाम नंद किशोर है, ये हकीकत नगर में रेंट पे रहता था, वहीं की एक लेडी से इसका अफेयर हो गया था, लेकिन जब हमने पूछताछ करी वहाँ, जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी तो ये बात सामने आई कि उस लेडी ने अपने जेठ और जेठानी उनके साथ मिलके इसे 8/4 को रात को पहले शराब पिलाई और उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या की। कारण ये था कि एक महिला जो मैरिड थी उससे इसका अफेयर हो गया था और ये उस पर काफ़ी दबाव बना रहा था कि तू अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के मेरे साथ रहे, तो इसीलिए मरवा दिया सर। इसलिए उस लेडी ने अपने जेठ और जेठानी को ये बात बताई और इन्होंने प्लान करके पूरी प्लानिंग के साथ इसका मर्डर किया। तो कैसे मारा सर, दबाया कैसे, क्या पूरी प्रक्रिया रही? जो इसका जेठ जेठानी ने इसके हाथ पैर पकड़े और इस लेडी ने इसका जो गुड्डी नाम है उसका, उसने इसका गला दबाया। बाकी ममता इसके जेठानी का नाम है, राजवीर इसके जेठ का नाम। तो कोई पहला भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर? नहीं, इनका कोई पहले अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये तो क्योंकि एक अफेयर इनका चल रहा था और इससे ये काफ़ी प्रेशर में थी, तो उस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए इन्होंने उसको मार के और बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें ऑलरेडी 302 में इनको अरेस्ट कर लिया गया है, अब इनको क्रिमिनली पूछताछ इनसे हो गई है
कोर्ट में पेश करके इनका आगे पुलिस रिमांड हासिल कोई और धारा भी जोड़ी जाएगी सर बीच में? इसमें 302 और 201 जो बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की इन्होंने कोशिश की, एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश की, और साथ में जो कॉन्स्पिरेसी की है 120 भी, इन धाराओं के तहत इनका चलान किया जाए। सर 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन कल देखा कैथल काछवा पुल पर भी जो है ना मतलब सैकड़ों लोग गाड़ियाँ लेकर निकल आए थे, जाम जैसी स्थिति बन गई। देखिए जैसे आप जानते हैं कि अब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सेक्टर्स जो हैं अब ओपन कर दिए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और जो सप्लाई चेन है उसको कोई दिक्कत ना आए। तो ये स्वाभाविक है कि कुछ परसेंटेज जो व्हीकुलर मूवमेंट वो बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, जैसे कि माइनिंग सेक्टर खुल गया है, रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन भी अलाउ कर दी गई है, बाकी फार्मा से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित काफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट्स वो खोल दी गई हैं। जो गुड्स कैरियर हैं, चाहे वो असेंशियल गुड्स कैरी कर रहे हों या नॉन असेंशियल, उन सबको भी खोल दिया गया है ताकि सप्लाई चेन को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी प्रकार की छूट मिली है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये केवल एक रियायत है, रियायत मिली है, कोई किसी प्रकार की छूट किसी को नहीं मिली है। और जो एस्टेब्लिशमेंट खुली हैं वो विद परमिशन खुली हैं, एक अलग अलग लेवल की 3 कमेटी बनी है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और नंबर ऑफ़ द वर्कर्स। यदि 25 तक वर्कर हैं तो अलग कमेटी है, 25 से 200 वर्कर हैं तो अलग कमेटी है, 200 से ऊपर अगर किसी ने वर्कर यूज़ करके अपने एस्टेब्लिशमेंट चलानी है तो उसके लिए अलग कमेटी है। लेकिन उनके साथ साथ पूरी कंडीशंस भी हैं, जैसे कि वो उनको उनके खाने का, उनके रहने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, जो नॉर्म्स हैं लॉकडाउन के उसको पूरे मानते हुए उसे फॉलो करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी पूरा मेंटेन करेंगे। सर जब पुलिस चेकिंग करती है उस दौरान जो मीडिया वाले मीडिया कवरेज कर रहे होते हैं या पुलिस जांच कर रही है तो कुछ लोग मिसबिहेव करते हैं, सर उनको क्या कहना चाहेंगे? यानी क्योंकि उनको गुस्सा ये होता है कि हम पकड़े गए हैं और मीडिया के कैमरे में भी हम कैद हो गए हैं, इस तरह से मिसबिहेव करते हैं सर वो? देखिए ऐसे जो कुछ परसेंट हैं वो कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। 130 FIR हम 24 तारीख से आज तक जो है दर्ज कर चुके हैं, 200 के आसपास व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं, 188 और संबंधित धाराएं लॉकडाउन की लगा के, इसके अलावा चलानिंग और इम्पाउंड 2.5 करोड़ के आसपास फाइन भी इम्पोज कर चुके हैं, हज़ारों की संख्या में व्हीकल्स इम्पाउंड भी की गई हैं। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी विदाउट वैलिड परमिशन किसी की भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। एक दो दिन क्योंकि नई जब कोई सिस्टम स्टार्ट होता है एक दो दिन दिक्कत आती है, कल कुछ दिक्कत आई थी काछवा पुल के आसपास तो वहाँ उसे आधा पौना घंटा लगा के दुरुस्त कर लिया गया था। बाकी मेरी फिर अपील है कि कृपया करके अपने घरों में रहें। यदि आप चाहते हैं कि 3 तारीख को आने वाले 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाए, और जो चाहता है कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहे वो जरूर घर से बाहर निकल सकता है। सर लॉकडाउन के दौरान 1000 ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.